चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि कब कहां और कैसे किसकी किस्मत पलट जाए यह कोई नहीं जानता। वैसे तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अब कभी भी गरीब किसान रातों रात लखपति बन सकता है। जी हाँ, ऐसा ही मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील अंतर्गत ग्राम आंजनबे के किसान 86 वर्षीय वृद्ध जयपाल राउत की किस्मत है, जिन्होंने अपनी उम्र के 36 वर्ष करीब एक लाल चंदन का पौधा लगाया, जो यह पेड़ करीब 50 साल की अपनी आयु पूर्ण कर रहा है। यह एक लाल चंदन का पेड़ बुजुर्ग किसान को किसी भी रात लखपति बना सकता है। दरअसल किसान जयपाल ने करीब 50 साल पहले अपने घर परिसर में लाल चंदन के पौधे लगाया, लेकिन एक पेड़ आज विशाल वृक्ष बन गया है, जिसकी कीमत 6-7 लाख रुपए तक आकी गई है। मगर वृद्ध किसान ने पेड़ को बेचने से इनकार कर दिया था। वृद्ध किसान जयपाल राउत की माने तो उन्होंने अपनी उम्र के 36 वर्ष पहले घर के परिसर में लाल चंदन का पौधा लगाया था, आज विशाल वृक्ष बन चुका है। यह लाल चंदन का वृक्ष इतना विशाल है कि आसपास के जंगलों और गांव में भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह वृक्ष को खरीदने के लिए अब तक अलग अलग राज्यों से कई व्यापारी उनके पास आ चुके हैं, मगर उन्होंने पेड़ बेचने से इनकार कर दिया था। वहीं उन्होंने कहा है कि कई बार चोरों ने भी पेड़ चोरी करने की कोशिश की, लेकिन देखरेख रहने पर आज तक जीवित है। इस पेड़ की पहले से ही पूजा करते हैं। आज मेरी उम्र 86 वर्ष होने आई है, मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरी लड़कियों की जो सभी की शादी हो गई है, इसीलिए पेड़ की कीमत 15 लाख रुपए की मिलती है तो बेच दूंगा। आपका नाम? जयपाल रावत कर, ग्रामांजन बिहरी। अच्छा जी, जी। हाँ जी, पूछो। ये बताइए कि ये चंदन का वृक्ष आप कब लगाए थे और कितनी इसकी आयु हो है? ये कम से कम मैंने 34-35 में लगाया था। इस पेड़ की आयु कम से कम 50 साल के ऊपर होने लग गई है, और ये पेड़ मैंने सिवनी से लाया था, और इस पेड़ की पूजा है मेरी, और यहाँ पे 4-5 पार्टियाँ भी आई, कन्नौज तक की पार्टी आई, उन्होंने 1-2 साल पहले 6 लाख में मांगे थे, करीब अभी तो 15 लाख के ऊपर का है। कौन सा पेड़ इसको बोलते, क्या है? ये है लाल चंदन। अच्छा। अब इसको मैंने तो लगाया था रक्षा करके, लेकिन ये तो लाल चंदन है। अच्छा जी। अच्छा, ये जनरली हो जाता है कि कहीं पे भी बहुत मतलब मेहनत लगती है पेड़ को लगाने में? नहीं, मेहनत तो ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन ये पेड़ अपने आप पलता नहीं है। इसके आसपास कोई तुवल उवल या तो सीताफल वीताफल कोई भी पेड़ लगाएंगे, जब उससे शोषण लेता है ये, अपने आप शोषण नहीं लेता, माने भोजन उसको करना है दूसरे पेड़ों के जरिए करता है। अच्छा, तो ये बताइए, ये विक्रय करने के लिए आप निकाल रहे हैं? जी। तो क्या आप प्रशासन को, शासन को बेचना चाहेंगे कि प्राइवेट किसी को भी दे सकते हैं? अब मेरी 86 साल की उम्र हो गई है, मैं तो शासन को देने के पक्ष में हूँ। अगर शासन नहीं रखे तो प्राइवेट किसी को भी देना पड़ेगा। अब 86 साल की उम्र हो गई है, अब हमारा तो कोई भरोसा है ही नहीं है, इसलिए इस पेड़ को निकाल देना है। तो अभी कुछ इसकी मूल्य आपने लगाया है क्या, कितनी कीमत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम से कम मेरे को तो लग रहा है कि 15 लाख के ऊपर का जाना चाहिए। चलिए, आपका नाम? जयपाल रावत कर। ग्राम पंचायत आंजनबिरी के सरपंच दीपक पुष्प तोड़े बताते हैं कि गांव में जयपाल राउत के घर के चंदन के पेड़ को देखने के लिए कई गांव के लोग यहां आते हैं, जबकि कई लोग पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के लिए चंदन की लकड़ियां भी ले जाते हैं। घर में पेड़ होने के कारण यह सुरक्षित बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि कई बार चंदन की खरीदारी करने वाले व्यापारी भी उनके पास आए, लेकिन जयपाल जी ने पेड़ नहीं बेचा। अब उनके घर में और भी चंदन के पेड़ हो गए हैं, जिसके चलते जयपाल पेड़ बेचने का इरादा बना चुका है। आपका नाम? मैं दीपक पुष्पतोड़े, संयोजक पठार संघर्ष समिति और सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबिरी। आपके ग्राम पंचायत में एक लाल चंदन का वृक्ष है जी, और लोग दूर दूर से इसको देखने भी आ रहे हैं,
तो कैसा महसूस कर रहे हो और आप क्यों आए थे यहाँ पे? क्या मुझे काफ़ी अद्भुत महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन में पहली बार लाल चंदन का पेड़ इतनी विशालकाय होती हुई देखा हूँ। मैंने सिर्फ मैंने पुष्पराज फिल्म और अन्य कई ऐसे मूवी में, वीरप्पन वगैरह वो मूवी में मैंने देखा था कि लाल चंदन का पेड़ होता है, लेकिन हमको इतना पता था कि बहुत महंगा और बहुत बहुमूल्य पेड़ है ये। लेकिन हमारे काका जी हैं आजम ब्रिज से, श्री जयपाल रावतकर जी, इनके यहाँ पे फिर जानकारी लगी कि इतना बड़ा पेड़ है, तो मैं खुद देखने के लिए आया, तो मैं देखा ये तो काफ़ी बहुत बड़ा पेड़ है और ये शायद मेरे हिसाब से बालाघाट जिले में ही इतना बड़ा पेड़ कहीं पे भी नहीं है और हमारे आसपास के क्षेत्र में भी इतना बड़ा पेड़ नहीं है। बहुत बहुमूल्य पेड़ है। काका जी के कहने के मुताबिक बहुत सी पार्टी भी टकराई उनसे खरीदने के लिए, लेकिन काका जी ने बेचने से मना कर दिए, जिनकी लाखों की डिमांड भी थी और एक्चुअल में वो कुछ तस्कर लोग भी यहाँ पे चोरी करने के प्रयास से आए थे, लेकिन काका जी का इतना दृढ़ निश्चय और साहस था कि उन्होंने तस्करों को भी भगा दिए यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम भारत चौरागढ़े है, मैं जिलाध्यक्ष यूथ विंग आम आदमी पार्टी से हूँ। आज हमारे पठार संघर्ष समिति के दीपक पुष्पतोड़े जी ने वीडियो डाला था कुछ दिन पूर्व कि इनके गाँव में एक लाल चंदन का पेड़ है, तो हम उसी को देखने आज यहाँ पर आए थे। और जैसे यहाँ पर आके देखे तो 30 से 50 वर्ष पूरा हो चुका है लाल चंदन के पेड़ को। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो शासन प्रशासन से कि वह यहाँ पर आए काका जी के यहाँ और उचित इस चंदन के पेड़ के उचित जो उनको राशि है, जो उनकी इच्छा है, उसकी जांच कराए और पूरी टीम उनकी सुरक्षा भी प्रोवाइड कराए कि इतना बड़ा वृक्ष जो हमारे ज़िले में अभी तक कहीं नहीं है। तो जैसे हमने एक देखा कि बाहर के राष्ट्रपति द्वारा एक पेड़ लगाया गया था जिसे जेट प्लस सिक्योरिटी हमारी सरकार ने प्रोवाइड की थी, तो वैसे ही हमारे बालाघाट जिले के लिए ये चंदन का पेड़ है और इसी इनकी भी सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि अब ये बातें बाहर जाएंगी आप लोगों के माध्यम से तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला भी हो सकता है और या फिर पेड़ काटने के लिए कोई भी सामने इनको जोर जबरदस्ती कर सकता है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि शासन प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराएं और इनको उचित जो राशि है पेड़ की वो दिलवाएं। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।